आतंकवादियों को जवाब दे सके। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुल्तानपुर से। ई हमें दशरथ मिश्रा पंडिताएं के साथ मंझिला बेटा खातिर नौकरी तलाशत रहे में। पंडिताइन वसुंधरा देवी इनका खातिर अपन हिंदू धर्म ही सब कुछ बा। ई हमें सबसे बड़ बेटा विजय जे अपन फर्ज बखूबी निभावे ने। ई हमें सबसे छोट बेटा जय जे पढ़ाई पर कम और मोबाइल पर ज्यादा ध्यान लगावे ले। जजमान, हम राहुल से एको बात कह के चाहत रहनी है। हमारे एको बेटा बा, बड़ा ही होशियार और बहुत समझदार बा, काम के एकदम पूजा समझ के करेला। तो हम चाहत रहनी है कि इतना बड़ा होटल के उद्घाटन कर रहल बानी, हमारा बेटा के कोनो काम दिला देती तो बहुत बहुत मेहरबानी हुई। अरे मेहरबानी कहे के पंडित जी, रहुआ हमार खानदानी पंडित जी हैं, समझे राहुल काम हो गए। धन्यवाद। सर मंगल मंगलेश्वर सरबा सात के सड़े तम के गौरी नारायण नमस्ते से टप आ गई। जय माँ काली। नौकरी पक्की कर दे माँ। जय माँ काली। हट माई, पूजा हो गई। बाबा कितना दे दी? ऐसे तो माई ई नौकरी पकड़ पूजा के 5100 ले ला, लेकिन तू 2100 दे दे। 2100 ही का है बाबा? बच्चा माई रेगुलर ग्राहक है ना, यही खातिर। अच्छा ला बाबू, गोड़ छुला बाबा। जय मरमे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। कुछ अच्छा हो ही ना बाबा? अरे सब अच्छा होगा बच्चा, जा कल्याण ही कल्याण होगा, बाबा का आशीर्वाद है, जा। पढ़ पढ़, अभी तोर गेम खेले को उम्र नहीं खे। अरे राजा घरे बड़ा। ल हई ल ई ल तूहु प्रसाद ल, आज एक जगह तुहार नौकरी सेट हो गई बा। नौकरी लग गई? हाँ। देखला न बबुआ मंत्र के चमत्कार। हाँ? मंत्र? हाँ, आज नु बाबा के बोला के 2100 रुपए के पूजा करौनी हो। 2100 रुपया? अरे मिया कमाए घड़ी घड़ी, खुदा ले जाए एक घड़ी। अरे दास घर मुड़ले हो कब, तो 2100 रुपया बोले हो कब, तू एक बार में लुटाए लू। चुप रहे, पैसा पैसा जब है तब पैसा 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 का पड़ल बार हुआ के। अरे लड़का के जिंदगी बनता नीक नहीं खेलागत का रहुआ के। हे भगवान, अरे तारा मुँह लगला तो बेकारे बा, अपना बेटा से कह दिया कि काले से जाके नौकरी करस। ठीक बा बबुआ, कल चल जाइ। आओ।
बड़ा से तम कहते रह लिए लेकिन वो मनलस ना निरहुआ ओकरा साथे टुकुर टुकुर करत रहे राम सब सत्यानाश कर दिहलस राम राम ये कन्नी कटते अरे पकड़ 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 रे रख रे बकचोड़ ने पकड़ अबे अपवित्र नाच के हमरा घर में कोनो जगह नहीं खे अरे ये क्या कर रहा है पंडित आई हे भगवान अरे नो सत्यानाश कर दिहलस रुक जा भाई पवित्र हो चुकल बा सुनी एकरा से कह दी हमरा आंखी सोजा से दूर हो जा हमरा घर में अपवित्र लोगन के कोनो जगह नहीं खे माई मर गेल तोर माई जाए जैसे भैया के ऐसा गलती ना करे के चाहत रहे अब हम हूं का करी अरे का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं कमाल है राजा सोमवार अपना टोला के लड़की के मंदिर में छेड़ा था और जब हम रोके गए नहीं हाँ तो हमारा मरलस अच्छा चल तो चलो ये सोमवारी ब्रा अच्छा पति पाए खातिर ही ना रखे लू हमें शिव जी के तकलीफ देवे के का जरूरत था हम बानी ने अरे चलो रख सन चलो रख बैठ चलो रख पुजले से ऊ का पति जी हन अरे हमार पूजा कर तो हर मनोकामना पूरा कर दे पूजा करावला के आज तो हनी के पूजा हम कर रहे हो विधिवत का हो गए लड़का साथ हम एकदम परेशान हो गए अरे कुछ बताई ना कि का भाई
ससुर के नाती के भगवान समझा ले आ गई लंग तुहार बेटा ड्यूटी बजा के। अरे चाय पानी नाश्ता ना करेबू। अरे जजमानन से कह कह के हम एकरा के कान दिलाई ला। आई ससुर के नाती सब कुल गोबर कह दिए लस। जा 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 अगर पैसा नहीं खे ना तो दो चार कट्ठा जमीन बेच के एकरा के मंत्र ना एकरा गला में 10-12 को जंतर बांध ताकि तोरा कॉलेज आके ठंडक मिले। अरे अब का हो गई काहे बिना आगे क्या किया था नहीं। अरे वही जा गुप्ता जी गाड 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 चिल्ला रहे गई ना आई ससुर के नाती वही जा से फुर्र हो गई ना। कल्याण ही कल्याण होगा बाबा का आशीर्वाद है जा। अरे बचवा हे बचवा उतार था ना तो पेटवा से वतरिया बाहर आ जाए। हे बचवा उतार था हे का करबे रे बचाई एक दिन भी नौकरी ना कहनी और नौकरी से निकालल भी गईनी पर तारा बहनी का तांत्रिक और मारा दुनिया से कामन चली हिला ए जाए कई चली अच्छा की बात बा उतारा उतारा एशियन मल्ले बड़ा कि नाक से सांस ना कहीं और से निकला था आई दादा रे दादा तोहरे समस्या का समाधान पा ई कौनो मामूली लाखित नहीं के बचवा ई कैलाश पर्वत पे सिद्ध कैले बानी आई 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 और मानसरोवर में ना 108 पाटू बोले बनी बचवा जब तक तू ना छोड़बा कोनो नौकरी ना छूटे। आई ओय ओय ठीक बा आई 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 जा बचवा कल्याण होई जय बसोनी माई। तने पत्र देख के बताई पड़े काहे नहीं जजमान कौन दिन अच्छा बा करना मन्ना बैठ के चाहिए ना जय हो लक्ष्मी मैया। जजमान 15 तारीख के लगन जल्दी से जल्दी यहां निकल के आवत है। अगर दोनों पक्ष राजी होकी तो यही तिथि के लगन के दिन तय कर लियल जाओ। रवा मंजूर बा समझी जी त ठीक बा पंडित जी काहे के देरी बा शुभ काम में जी देखी और बताई तो बनावल जाए। हां जरूर जी शुभ काम में देरी है। 9, 6, 3 जय हो लक्ष्मी जय हो लक्ष्मी मैया। आप लोग बियाह के तैयारी करी जल्दी से जल्दी अब जल्दी से मुंह मीठा कराई हमार। बोली हर जानते हैं सुल्तान मियां हमारे छोटे भाई असगर मियां ने हिंदुस्तान के नाक में दम कर रखा है। माशाल्लाह इन्हें तो देख के ही ऐसा लगता है कि ये सियासत में बड़ा नाम रोशन करने वाले हैं। इंशाल्लाह क्यों नहीं आखिर भाई किसका है लीजिए चाय लीजिए। हमारे छोटे भाई असगर के लिए रिश्तों की लाइन लगी है लेकिन क्या बताएं सुल्तान ऐसा है अब हम अपने छोटे भाई असगर के लिए तो आपकी बहन का हाथ मांगने जाएं ये भी हमारे उसूलों के खिलाफ है लेकिन आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यहां तो सब कुछ जाना समझा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बस आप निकाह की तैयारी कीजिए लड़की देखने की रस्म अदायगी बाद में पूरी कर ली जाएगी क्यों असगर मियां। जी भाई जान आपका हुक्म सर आंखों पे। जय नसीब बशीर खान साहब जय नसीब आप अपने काबिल भाई अजगर खान साहब का निकाह हमारी बहन के साथ कबूल किए हमें रिश्ता कबूल है मुबारक हो मुबारक। आज पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रा जाने वाली पूरी बस को हाईजैक कर लिया है और ऐसा कहा जाता है कि बस में तकरीबन 40 लोग हैं जिनकी जान को खतरा है। उनका कहना है
जी भाई जी, आईएसआई एजेंट बिलाल ठाकुर को रिहा किया जाए और इसकी मध्यस्थता के लिए मुस्लिम पत्रकार को बुला रहे हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस घटना के पीछे आतंकवादी संगठनों का लीडर बशीर खान और उसके छोटे भाई अजहर खान का हाथ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम माँ, तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। खोल के दिखा देते नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है? अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें आयतें तो आती ही होंगी, जरा पढ़ के हमें बताना। या खुदा, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ हाँ, बस बस करो, हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। हम तो एक सच्चे मुसलमान को उसकी महक से पहचान लेते हैं। जाके कह दो अपने हिंदुस्तानी हुक्मरानों से कि हमारे साथी बिलाल खां को जल्द से जल्द रिहा करके हमारे साथ पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बस तोड़े यही, साथ ही साथ हिंदुस्तान बूम, इतने धमाके होंगे कि हिंदुस्तान खाक में मिल जाएगा। हमारा खौफ तुम्हारे मुल्क में इस कदर फैलेगा कि तुम्हारी मां बहन के कपड़े गीले हो जाएंगे। औकात है तुम्हारी? बड़ों की बात छोड़ो, हमारे देश के बच्चे अगर बॉर्डर पे मूत दिए तो बह जाओगे। एक जाबाज बहादुर हिंदुस्तानी जिसका नाम राजा है, उसने आतंकवादियों को मारकर सारे तीर्थयात्रियों की जान बचाई। सारे माहौल में खुशहाली छाई हुई है, चारों तरफ राजा का जय जयकार हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सरकार से सिफारिश की है राजा को पुरस्कार से सम्मान दिया जाए। आइला प्रकाश जी के यहाँ, और आई संजय जी के यहाँ, और आई बबलू जी के यहाँ भिजवा दी। और आई प्रणाम प्रणाम, पंडित जी के लड़का हुआ। अच्छा अच्छा, सोना बेटा, आज से यहाँ ड्राइविंग करी हन, गाड़ी के चाबी इन करा के दे दो, ठीक बा? चला लो। हमरा हाथ में मेहंदी लगल बा, तू सीढ़ी से ऊपर चल जा, सामने वाला रूम में मोना हुई, ओकरा से चाबी ले लियो, ठीक बा? भाभी दिखा मेहंदी। मैडम जी, गाड़ी की चाबी लेबे आई रहनी है। ठीक बा, पहले ही चेन चढ़त नहीं के चढ़ा दो। चढ़ा। अरे तो वही दिन तोहार दीवानी हो गई, जोने दिने मंदिर में तोहके बहादुरी से लड़त देखनी, और उहे दिन हम फैसला कर लेनी कि अब चाहे कुछ होगी, अब सिर्फ तू ही बनवा हमार भतार। भोलेनाथ के कृपा से
तोरा पावे के हमार संघर्ष पूरा हो गया। मैडम जी चाबी चाबी चाहिए कि चुम्मा काहे छटपटात बाड़ा अकेले 10 मरद से भिड़ सकेला एगो लड़की से भिड़े में दम घुटा था वो कहा ना हमरा के तोहार लत लग गई सुना मेरे प्यार का किस्सा तो बहुत पुराना है मेरे हीरो तुम्हें ड्राइवर बनाना तो बहाना है हमार ड्राइवर बन जा पगार हम देव मैडम जी के नहीं आई तब क्षमा करी बाद में कर बक ओकर कोनो जरूरत नहीं है ई कौन नौकरी अरे यहाँ दूदू को गाड़ी चलावे के पड़ी का रब्बा रेडी वाटर में ना पानी का बहुत डाला था ऐसा कि
का करबू? अरे चढ़ल रहबू, अरे उतर जा देवता। माई हम काल से ड्यूटी पर ना जाए। काहे बाबू? अरे काहे कि नौकरी से निकाल दिए लोहिए, ई त जन्मे से नालायक बा ना। अरे यो नौकरी गईल हाथ से। नौकरी नहीं खे गईल, डबल ड्यूटी करे के पड़ता। ये कहाँ का इंसाफ है जी, बताई। पैसा था एक ड्यूटी के, अब काम करा दो ड्यूटी। जाए जाके पैसा बढ़ावे के बात करी उनका से। पगार के बात नहीं खे माई। तो का बात बा। अरे जवान बा, डबल का ट्रिपल भी ड्यूटी करे के पड़े ना तो कर सके लो। देख देख हमरा उरी, ये उम्र में भी हम एक दिन में दूध को पूजा कराई ले। अगर तीसरा दिन मिलित ना तो ओकरा के छोड़ब ना तहरा नियत। अरे बाबू तू बात समझत कहे निखा। अरे समझे काबा बाबू, तहर बाबू जी ठीक है कह तड़े आ कह ते आधा किलो दूध और बढ़ा दी। ना करब नौकरी, कह दे इनसे। अरे तो पगला गए बाप आ बेटा दोनों एक के लेखा बाड़े सब। हे भगवान। अच्छा मालिक, आज के काम बताएं। तो ऐसा करा, पेट्रोल पंप चल जा। हमार दोस्त मेजर साहब के लड़की बड़ा दूर से आवत थड़ी, शिकायत के कोनो मौका ना मिले के चाहिए। और हाँ, गाड़ी बड़ा ध्यान से चलाइया। अरे देवता का कहानी, मालिक के बात चुट्टा नहीं। तारा कोनो पसंद आई? देखो राजा आ गई। राजा? भैया इता आज दूसरा दिन और तू ड्यूटी पे। लगा तो बाबा के मंत्र काम कर गई। नौकरिया ना छुट्टी जब ले हम ना छोड़ब। अब सेठ जी के जिगरी दोस्त आवत ने, उनके बड़े आराम से घर लेके जाए के बाद इतना आराम से ले जाए कि कमर के पता ना चली। सेठ खुद ही धक्का मार के निकाल दिए। चलो जा। चलो भैया। भाई हाँ भैया, मैडम के लिए ठंडा लेके आओ। जी भैया। चल दे। देख ले रे, लड़की मिलल तो दोस्ती के लिए ताक पे। प्यार के भूत का बाप और का पूत। तुम दोस्ती गई भाल में तल ठाले। चल का देखा हो, फंस गई टेकड़ा।
अब आइल है ना ऊट पहाड़ के नीचे मिलन मलाई तो अकेले कही है। अब माठा मिली तो मतवाला के पिए है। एक बात बताओ ढेर निखे बोलत ठीक बा ठीक बा हमनी के मतलब ही ना ही जा ए बच्चन भैया थोड़ा ही घटारा के हो ठीक बा एक कबूतर तनी गड़िया देखबा गड़िया ठीक होइम 3-4 घंटा लग जाई अच्छा हाँ तो शिखर टूटल तो बिलारे के भागे देखत का बाला है 10 मिनट में तो पथीना तुए लागल 3-4 घंटा में तो मोमबत्ती पिघल ये जाई ठीक है तो कहता ए हरि भैया बन जाए तो फोन कर दिया मैडम जी बगले में हमरो घर बा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो चलिए टाइम पास हो जाएगा ठीक है चलिए बन जाए तो फोन कर दिया माई माई आप बैठिए माई कहाँ भी अरे माई मंदिर गए बारी और बाबूजी बजा रहे मोमबत्ती पिघल जाए जो जाके ठंडा पानी ला जा जी भैया अरे बड़ी टंच माल भैया लेके बड़ा आइल देखते मिजाज हमर बाटे गनगनाइल गड़बड़म 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 होता हमर दिशा हो चाहे हमरो के हिस्सा हमके सुनाबा मत किस्सा हो चाहे हमरो के हिस्सा बाड़ी रसदार प्यार हमरो के चाही हम तबानी हिस्सेदार प्यार हमरो के चाही हमरो से जदी अगर करबा बेईमानी होई ना भलाई तोहर रसी न जवानी हमरो से जदी अगर करबा बेईमानी होई ना भलाई तोहर रसी न जवानी चढ़ल 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 अब जाता लव के निसा हो चाहे हमरो के हिस्सा हमके सुना बहमत किस्सा हो चाहे हमरो के हिस्सा का बाबू मत कर जीद रे तोहरा से होई नाही ममलाई सीधरे हरे पाड़िया भी लैका बाबू मत कर जीद रे तोहरा से होई नाही ममलाई सीधरे उमर जब उमर जब उमर जब होई तोर बीसा रे तब मंगे तू हिस्सा सुन होने जाके देखी सहरे कहे मानता रे हिस्सा गड़बड़ होता हम हिस्सा हो चाहे हमरो के हिस्सा हमके सुनाबा मत किस्सा हो चाहे हमरो के हिस्सा अरे रे रुको तो ये कौन सी भाषा है ये हिंदुस्तान की सबसे मीठी और प्यारी भाषा है भोजपुरी हमें भी सीखनी है सिखा दे बस थोड़ा टाइम लगी हमरा लगे को तरीका बा 6 घंटा में सिखा दे अच्छा पीके फिल्म देख ले बारा
अब इन्हें अब चुनाव एक रिएक्शन 6 घंटा बाद देखिए। ना जजमान जवान लड़का से जोर जबरदस्ती कैल ठीक नहीं थे। ओकरा बतियौला से लागे ला कि ओकर काम करे के मने नहीं खे। ठीक बा बानल बनिया से तब बाजार लागी ना ओकर मन नहीं खे तय में कोनो जोर जबरदस्ती भी नहीं। ली राउर बेटा आ गई अबे पूछे तनी का समस्या बा। हेलो अंकल। और घर में सब कैसे? अच्छी हूँ। लगता है उन्हें आने का मन नहीं है। अरे रे नहीं वो तो शादी में जरूर आएंगे। पक्का? हाँ ठीक है आओ बेटा। हेलो कैसी है तू? ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाय। चलो अंदर हाँ। चलते हैं। हाँ। राजा जी मालिक तुहार बाबूजी का कहा तड़े कि तुहार काम करे का मन नहीं खे। ना ना ऐसा कोनो बात नहीं खे हम तब बस एजे काम करब। का पंडित जी हमरा के पागल कथी के छोड़ी नालायक हमार इज्जत के इल्लतियावत फिरता। चला घरे बताओ तो चलो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जय भगवान जी के। ला बेटा आरती ले ला। माई फोन आयल बा। हेलो माई। एकर माई तहार माई मर गई ली। हमरा दूजे गो औलाद बाड़ा सन जय राजा। आज के बाद एक घर में कबो फोन मत करी अपना माई खा। माई माई का भइल? देख बाबू ते कोनो ऐसा काम मत करी है जिके वो हमरा हमरा परिवार पे हमरा धर्म पे केहू उंगली उठावे। ना माई तोरा बात के गांठ बांध के रखले बानी। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। राधा बिना आधा रूप बा कन्हैया के या ही? संभाल के अपना करे जा जैसे रखब संभाल के देता ना दिल ओढ़नी से निकाल के देता ना दिल ओढ़नी से निकाल के। सोचल सपना माँ के तू बड़ू रानी। सोचल सपना माँ के तू बड़ू रानी। कद हवाले हमें अपन जवानी रानी। कद हवाले हमें अपन जवानी। कला कबूल जानी जा बतिया टाल के। कला कबूल जानी जा बतिया टाल के दे दाना दिल 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 दे दाना दिल लोहन से निकाल के
अपना दिल लोढ़नी से निकाल के कबले तू रहबू बबी बोला ना कुमार हो हे बबी हो कबले तू रहबू बबी बोला ना कुमार हो हमारे नाम कदयापन सोरा हो सिंगार हो हमारे नाम कदयापन सोरा हो सिंगार हो आके करीब तनी पूछा तू हाल के आके करीब तनी पूछा तू हाल के दे दाना दिल 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 हो दे दाना दिल लोहनी से निकाल के दे दाना दिल लोहनी से निकाल के धड़केला तुहरे नामे करे जावा कुहू का बना हो ये डार्लिंग कहिया होई तुहरा से मिलनवा बड़ा खुश नजर आवा तारा का बात बा का बात रही रे हां हां ता ड्यूटी भौजी के देखे के बा ना सुबह सुबह भौजी भौजी पर के पते ना पर अतिया ल दही चूरा अरे सुन आज हम सत्य प्रकाश जी से छुट्टी ले लेले बानी लड़की देखे जाए के बा लड़की देखे हां एकर का जरूरत बा तुहके जरूरत नहीं है बाकी हमके जरूरत बा ना अरे कबले चूल्हा चौका करब हम पहले काम ना करत रही तो काम के लेके चिल्लात रहा लोग और जब काम करे लगनी तो शादी के लेके चिल्ला तड़ा जा नहीं है शादी करे के अभी हमार उम्र का भइल बा हां अरे बाबू सुन रानी हम हो चम चम पायलिया चमके हो चम चम पायलिया
नाग कन्या नहीं, जिससे तुम चूसोगे तो मर जाओगे। हेलो 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 तब्बू मेरी जान, मुझे ना कुछ क्या कुछ अरे कुछ होने लगा है। अरे तुम डॉक्टर को दिखाओ। अरे स्टूपिड, कुछ कुछ होने लगा है। या अल्लाह, लगता है तुझे प्यार हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। तू तो कहीं कोई इलाज नहीं है। हाँ जानो, पर कर पाओगे तुम बगावत? क्या? खुद से नहीं, परिवार से, समाज से और देश दुनिया से। तब वो मेरी जान, मुझे ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी लाडली हूँ। ओके बेबी, तुम आ कब रही हो? अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा अब्रॉड जाने से पहले। ओके बाय। बेटा सबके कार्ड भेजवा देला। जी बाबूजी, गांव वालों के भी बुला ले ली हैं, बस 17 कार्ड रह गए, हम बांट देब। ठीक बा। पापा आज हमारे सहेली के बर्थडे बा, हमके जाए के पड़ी, ड्राइवर के यहाँ काम पड़ सकेला, हम खुद चला लेब और जल्दी लौट आई। हाँ हाँ जल्दी लौट के आईबू, हमके पता बा, हवाई जहाज नियन उड़ के जाइबू और आईबू। यहाँ काम करे खातिर बहुते लोग बा, तू राजा के लेके जा। ए राजा। हाँ मालिक। मोना के संगे जा और गाड़ी आराम से चलाइया। जी। जा बेटी जल्दी आइया। ये कार्ड कहाँ भेजा थी बाबा? मिले क्या भी राजा, हाई ला चॉकलेट खा लो। अरे खा ला ना, चॉकलेट है जहर थोड़ी ना। हमार माथा कहे चकराता, बुझाता नशा वाला चॉकलेट के असर काम करे लागल। आज तो मजा लेके छोड़ब। बदरे तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हें यहाँ लेकर आना था। मने कहा चाहता रू? कुछ ना, हम जितना तुहार करीब आवे नहीं, तू हमसे उतना ही दूर भागेला। हीरू है काहे? हमरा में कुछ कमी बाका? ना जी। तोहरा में कुछ कमी बा? बक तेरी। हम तोहरा संगे ही बेड पर कैसे? अरे यार, ये कौन खेल खेला तारू तू? खेल? खेल तो अभी खेलने कहा, अगर खेलल चाहत रहती तो कब के खेल गई रहती। ये खेल हमारा और हम ही ये खेल खेलब, पर अभी ना, अभी ना। शादी के बाद ही खेल खेलब, पर जरूर खेलब। लेकिन हाँ, ये खेल हम केहू और के खेले भी ना। केकर बात करो तारू? जान के भी अनजान मत बना, ओकर प्यार पूजा और हमार प्यार बाप। राजा, हम तोहरा से प्यार करेले। I love you। ये नहीं खे हो सकत। तू कहाँ और हम कहाँ? हमरा तोहरा बीच में अमीरी या गरीबी के बहुत बड़ खाई बा। हाय, ये खाई कुछ नहीं खे। खाई का होला अभी देखा बतानी।
ओकरा प्यार में जो अनहड़ा गई बाड़ा ना कि यू के हा हम अभी देखा पता नहीं चला पर से पंडित और ये मुसलमान आई देखा आ गए ले आई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये मेरा बेटा प्रणाम चाचा खुदा सलामत रहे और ये मेरी बहू है जी और ये छोटी बेटी खुश रहा आइए बैठिए आप ही का इंतजार था बैठिए अरे यार हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप आएंगे इंसान को आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए यही तो हमारी ट्रेनिंग थी इस जमी को आसमा और आसमा को जमी कर दे लेकिन खान अपना वादा कभी नहीं भूलता अरे नहीं यार मुस्कान बिटिया अकेले आई थी ना इसीलिए क्या कह रहे हैं जनाब अरे बिटिया अपने घर ही तो आई है वैसे हम बेटियों को नहीं बेटियां हमें संभालेंगी अब ये लीजिए अरे मेरी आ गई आपकी गाड़ी कैसे हुआ बिरजू जी मालिक गाड़ी से सामान निकालो मुस्कान बेटा अबू का सामान मेरे कमरे में रखवा दो दो चार दिन ही सही साथ में रहेंगे तो बचपन की यादें कुछ ताजा हो जाएंगी ठीक है चलो आइए जनाब शादी की तैयारी दिखाता हूँ जरूर क्यों नहीं चलिए भाई शादी की तैयारी तो बड़ी अच्छी की है लेकिन लड़का कैसा है उसका खानदान कैसा लड़का तो बढ़िया है ही और खानदान भी अच्छा है चलो अच्छा इसी बहाने फिर से एक बार मिले सही कह रहे हैं आइए बैठिए हाँ हाँ बिल्कुल और कैसा लगा सालों बाद यहाँ आकर मेजर साहब यह हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू ही तो है जो हमें यहाँ खींच लाती है सही कहे बंटवारे के मुसीबतों ने हमें हिंदुस्तान से पाकिस्तान तो भेज दिया लेकिन आज भी हमारा दिल हिंदुस्तान में ही बसा हुआ है अब सोचता हूँ मेरा दम भी निकले तो यहाँ की मिट्टी और हवाओं में निकले क्या बहकी बहकी बातें करते हैं मेजर साहब मुस्कान बिटिया सुनेगी तो क्या बोलेगी मुस्कान तो मेरे जिगर का टुकड़ा है मैं उसे कुछ कहता हूँ तो वो नहीं सुनती लेकिन वो कुछ भी बोले तो मुझे करना ही पड़ता है क्यों नहीं करना पड़ेगा और सुल्तान बेटा कैसा है बंटवारे ने धीरे धीरे दिलों को बांटना शुरू कर दिया कैसा माहौल बनते जा रहा है हैरत होती है सब देख के एक दूसरे के प्रति नफरत बदले की भावना जहर बोया जा रहा है जहर हाँ नौजवान गुमराह होते जा रहे हैं और सुल्तान उसी का एक हिस्सा बनते जा रहा है क्या बताएं मेजर साहब अब तो हिंदुस्तान के नाम से भी उसे चीढ़ आती है खुदा खैर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि आई लीजिए अक्षत सर्वमंगल मांगल ये सर्वाधिकारी के
सौम्य चंद्र के गौरी नारायणी नमस्तुते। अब दुल्हा दुल्हन खेरा ले लो। केकरा के तलाशत पानी। अगर तुम मेरी नजरों को पढ़ सकती हो तो ये भी समझ सकती हो कि किसे तलाश रही हो। क्यों नहीं जी, पर वो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उसमें इतनी हिम्मत है कि सरहद पार कर जाएगा? कभी नहीं। मुसलमान, माई मर कर कौन माई चाहे जैसे। देखो ना ऐसा काम मत करी है जिके वो हमरा परिवार पे हमरा धर्म पे केहू उंगली उठावे। तोरा बात के गांठ बांध के रख ले बानी। धर्मो रक्षति रक्षिता। हे भोलेनाथ, हम ना दान बानी लेकिन रउआ तो आगम जानी है ना। सब जानते हुए रउआ हमारा साथ ऐसा काहे कइनी, काहे कइनी। अगर केहू के भेजा ही के रहे हमारा जीवन में तो ओकरे के काहे भेजनी जेके ना हम स्वीकार सके और ना ही हमार परिवार। बाबूजी, Thank you.
अब जान। क्या बात है, लगता है कुछ चाहती है मेरी बेटी। बैठो, बोलो क्या कहना है अम्बू। अरे आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात को ठुकराया है क्या बेटी? बोलो अबू। मैं वो कहना चाहती हूँ कि जब मैं हिंदुस्तान आई, मुझे यहाँ पे एक लड़का मिला जिसका नाम राजा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अबू। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो लड़का हिंदुस्तानी है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे दिल से प्यार करता है। हाँ अबू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो कहिए ना अबू। भाईजान, अब अब्बा जान के गुजर जाने के बाद मुजाहिद भाइयों के लीडर आप होंगे। भाईजान ना मत कीजिएगा। भाईजान, समीर भाई की बात रख लीजिए। बिरसे का सुल्तान आज से मुजाहिद भाइयों के लीडर आप हो। अबू, आपका हुक्म सर आंखों पर। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दादा अबू आए हैं आपसे मिलने। दादा अबू। मत रो बेटा, मत रो, मौत तो मरा रहा है और उन्हें को कौन टाल सकता है। हमारा जी नहीं लग रहा है। मुस्कान बेटा, ये ताबीज बांध लो, फिक्र मत करो, सब बेहतर होगा। अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
मेरे रास्ते की रुकावट बनी रहती है। मैं आपके रास्ते की रुकावट कैसे? हाँ रुकावट, जब तक तू निकाह नहीं कर लेती मेरा हनीमून कैसे मनेगा? वो कैसे? तेरे भैया ने कसम खाई है कि जब तक तू निकाह नहीं करेगी तब तक तेरे भैया के साथ मेरा वो कैसे होगा? ए मुस्कान कर लेना निकाह, अपने नहीं तो कम से कम मेरी फिक्र तो कर। मिल जाने दे इस उफनती नदी को उस सागर से, वरना बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ बहा के ले जाएगी। अरे लैला नीचे आ तो। बड़े अफसोस की बात है भाईजान कि जो मुल्क अबू जान का ना हो सका उस मुल्क के लिए उनके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों थी? तबरेज मैं भी मना करता था लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। बेटा तबरेज तुम तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, अपना वतन अपनी मिट्टी अपने अजीजों से बिछड़ने का गम तुम क्या समझोगे? जिस मुल्क ने हमें पनाह दिया है क्या उस मुल्क की कोई अहमियत नहीं? मुल्क की क्या बात करते हो, ये मुल्क हमारा है। बिल्कुल भाईजान, आप और हम दोनों भाई हैं, इसीलिए तो इस रिश्ते को और भी गहरा बनाने के लिए आया हूँ भाईजान। मैं मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ भाईजान, अगर मेरी मुस्कान से निकाह हो जाए तो हमारे रिश्ते में चार चांद लग जाएंगे भाईजान। आप जानवर, हमारे टुकड़ों पे पलने की तेरी औकात नहीं, और हमसे बराबरी करने की गुस्ताखी करता है, चंद रुपए कमा लेने से कोई खानदानी नहीं हो जाता। चल के आया है अपने पैरों पर, चार कंधे पे चढ़ के जाने की तैयारी ना कर। और सुन, आइंदा से मेरी बहन के बारे में सोचने की हिमाकत मत करना, वरना टुकड़े टुकड़े करके हर ईद पे मटन किश्तों में भेजूंगा। दफा हो जाए यहां से। तबरेज, तबरेज मेरी बात सुनो। मुस्कान मेरी है और मेरी होके रहेगी, देखता हूं मुस्कान की निकाह किससे करवाता है, नहीं छोड़ूंगा इस सुल्तान के बच्चे को। वो सुल्तानी मुजाहिदीन तेरे बाप को नसीहत दे रहा था, बेइज्जत करके अपने घर से निकला है, कह रहा था कि मेरी परवरिश में कोई कमी है। मैं बताऊंगा कि हमारी परवरिश में क्या कमी है। तबरेज, उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ा दो कि नाक रगड़ता हुआ आए, अपनी बहन का रिश्ता ले उसे झूठा कर दो, और झूठा कोई नहीं खाता। चंदा
ऐसन बाड़ी मोर जान हो। उनके बिना ना एक पल लागत मनवा, कैसे दिखाई खुल के दिल के अगनवा। उनके बिना ना एक पल लागत मनवा, कैसे दिखाई खुल के दिल के अगनवा। अब ता हमार बिना देख ले सूरतिया, अब ता हमार बिना देख ले सूरतिया। हम खता कैसे बिहान हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया। कैसन बाड़े मोरे जान हो ए चंदा, कैसन बाड़े मोरे जान हो। कैसे बताई कैसे रतिया कटेला, हमरे नियन हो होई है अकेला। कैसे बताई कैसे रतिया कटेला, सहले सहात नहीं खे अब जुदाई, सहले सहात कैसन बाड़े मोरे जान हो ए चंदा, कैसन बाड़े मोरे जान हो। अल्लाह, ये इस्लामाबाद में क्या हो गया? दादा अब्बू। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। हम बोलोगे भी कुछ? मैं यही हूँ। सलाम अलैकुम दादा अब्बू। वालेकुम सलाम। दादा अब्बू, एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दादा अब्बू, हमने मुस्कान के निकाह के लिए बशीर के भाई अजगर को पसंद कर लिया। सारी बातें तय हो चुकी हैं, आप बस निकाह की तैयारी करिए। लैला, हाँ? अब बाकी की सारी रस्मों की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करवाइए। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर ही कर लिया भाईजान। भाईजान मैं ये शादी नहीं करना चाहती भाईजान। दादा अब्बू, इसे कहिए हमें इसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, निकाह इसी हफ्ते होगा, हमने जुबान दी है। सुल्तान मर सकता है, मुकर नहीं सकता। खुदा हाफिज भाईजान। भाईजान भाईजान। क्या ढूंढ रही हैं आप? ही पासपोर्ट। पासपोर्ट तो भाईजान के पास है। भाईजान के पास है? तो क्या वो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? नहीं, उनकी रगों में जिनका खून है वही खून मेरी रगों में भी है। रुखसार रुखसार, मैं मर जाऊंगी पर मैं ये निकाह नहीं करूंगी। अब हमारे अबू जान नहीं रहे आप ही जो तुम्हारी सारी जिद पूरी करें। सुल्तान भाईजान को तो जानती हो ना तुम, एक बार जो ठान लिया वही करेंगे। तुम इस निकाह के लिए राजी हो जाओ। नहीं। आई दादा अबू। दादा
बड़ी बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। कहो कैसे फोन किया? तो फोन क्यों काट रही हो? यही तो समस्या है। तुम्हें लगता है कि मैं काट रही हूँ और मैं मानती हूँ कि तुम काट रही हो। अच्छा खैर बता किस लिए फोन किया? भाईजान ने मेरा निकाह तय कर दिया है। हंस क्यों रही हो? हंसने की ही तो बात है, इसलिए तो कहा था प्यार सोच समझ कर करनी चाहिए। सोच समझ के खेल हो सकता है, प्यार नहीं। सोचने का काम दिमाग का है, दिल का नहीं। क्या तुम मेरी बात राजे से करवा सकती हो? मोना, मोना जवाब तो दो। जवाब तुम्हें पता है मुस्कान, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे कम से कम अब तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जंग में दुश्मन से हथियार नहीं मांगी जाती, प्यार की हद भी होती है और सरहद भी। तुम्हें अभी भी अपने प्यार पे यकीन है? या खुदा हमें माफ करना। खुदा अब हमारी आंखों में वो रोशनी देना जिससे हम उनको देख सकें। अब हम ख्वाबों में नहीं जीना चाहते। हम ख्वाब ना, हकीकत है पगली। अपन अखियां तो खोल। राजा प्लीज मुझे यहाँ से भगा के ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज राजा, प्लीज प्लीज। अब मैं तुम्हें भगा कर नहीं, यही पाकिस्तान में सात फेरा लगा के ले जाए आई वाली। छोड़ो मेरा हाथ। अबू जान ने कहा है कि उसे जूठा कर दो, क्योंकि जूठा कोई नहीं खाता, फिर तो तू किसी के लायक नहीं। बचाओ, बचाओ। सुल्तान को झक मरा के मेरे कदमों में आके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तुम फिर मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो,
आजाद। सुल्तान मुझे माफ कर दे। खुदा बख्श देता है उसे जिसकी किस्मत खराब होती है, वो हर किस नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है। मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का यही हश्र। भजन, भजन, भजन अब ठीक तो है। शुक्रिया। कौन है तुम? मंजिल की तलाश में भटकता हुआ मुसाफिर। कहीं तो पनाह होगी? नहीं, कहीं नहीं, पनाह का ठिकाना नहीं। और तुम मंजिल की तलाश में हो? मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। ड्राइविंग जानते हो? जी। तो समझो तुम्हारा काम हो गया, चलो मेरे साथ। चलो मुस्कान। मिलता है हर एक रास्ता मोहम्मद के। ये क्या? अरे बेटा ये खून कैसे बह रहा है? अरे बेटा समीर जाके डॉक्टर को ले आओ, जल्दी ले आओ जल्दी। अरे अरे दादा अब घबराए नहीं, बस ऐसे ही कुछ नहीं है।
तुम्हारा नाम क्या है? राजा। राजा? राजा हसन। अच्छा मुस्तफा। जी मालिक। हसन मियां को इनका कमरा दिखाओ, आज से यहीं रहेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। जी अच्छा मालिक। शुक्रिया। पनाह मिल गई, अब मंजिल भी ढूंढ लेना। मंजिल तो तुहार बहिने बाड़ी, तू ही देबा ऐसा। जाओ अपना सामान लेकर आओ, तुम नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? मेरे पास कोई सामान नहीं है। क्या एकदम फटे हाल हो? मालिक भी न जाने कहां कहां से उठा कर ले आते हैं फर्टीचर। सुनो, असली मालिक सुल्तान भाई नहीं है, असली मालिक मुस्तफा है। और यहाँ मेरी मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलिए। सलाम अलैकुम बशीर मियां। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकता, खुशामदी। शुक्रिया, जन्मदिन की मुबारकबाद हो भाई। शुक्रिया शुक्रिया। आइए चलिए। क्या बात है बशीर खान साहब, ये तो वही हिंदुस्तानी है। ये असगर की जिद थी कि हम केक काटें। हाँ क्यों नहीं, माफी चाहूंगा सुल्तान। जरूर असगर, मैं आता हूँ। हाँ हेलो असगर मियां। हेलो, आपका केक तो बड़ा शानदार है भाई जान। एक बुरी खबर है। बोल गफूर। वो काफिर हिंदुस्तानी कौन? जिसने हमारे सरफराज को हिंदुस्तान में मारा था, वो यही पाकिस्तान में हमारी नजरों के सामने है। जनाब अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसका खात्मा यहीं कर दें। उस हिंदुस्तानी को जिंदा रख, मैं पहुंचता हूं। जी जनाब। ये लीजिए जनाब। हमें भी भाईजान। Thank you.
खोलने का बहुत शौक है ना उसे भाईजान। अब सब कुछ मैं खोलूंगा, तो सिर्फ वो नहीं पूरा हिंदुस्तान करा है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। हमारे दो चार आदमियों को क्या मार दिया, खुद को हीरो समझ रहा है। उसकी मौत की वीडियो बनाओ और दिखाओ हिंदुस्तानियों को कि इसके हीरो के साथ हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ बोल गफूर। गफूर नहीं राजा, भीख मांगने की औकात है तुम्हारी। हिंदुस्तान जीतने का ख्वाब रखते हो, मर्द को संभाल नहीं सकते। पूरा हिंदुस्तान क्या खाक झेलोगे? आकर अपने लौंडों के मौत का वीडियो बना, हिंदुस्तान के भतार लोगन के। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सलाम भाईजान। सलाम भाईजान। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। दादा अबू, ये शादी के कार्ड के कुछ सैंपल हैं, एक नजर देख लीजिए। हम भी देखेंगे दादा अबू। ये वाला बहुत प्यारा है। ये नहीं, नहीं, ये भी नहीं। ये वाला अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये वाला बहुत प्यारा है। ये बहुत खूबसूरत है जी। सुल्तान जी, हिंदुस्तान में कर्नल साहब को कार्ड भेज देना। बस छोटी अम्मी, जख्म अभी भरा नहीं है, उसे कुरेदने की कोशिश ना करें। अरे बहुत हिंदुस्तान हिंदुस्तान के रट लगाए रखी हैं आप। क्या हश्र हुआ? उसी हिंदुस्तान ने हमारे दिल से अजीज अबू जान को हमसे छीन लिया। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, कार्ड का एक फटा हुआ हिस्सा भी पाकिस्तान की सरहद के पार नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। रिश्ते निभाने से निभते हैं, और यही रिश्ता निभाया था चाचा जान ने। वो पुराने ख्यालात के थे। और सानिया मिर्जा, उसने हिंदुस्तान से पाकिस्तान का रिश्ता जोड़कर कोई मिसाल नहीं कायम की। बड़े लोग अक्सर जो करते हैं, छोटे लोग उस पर चलने में गर्व महसूस करते हैं। और तुम लोग बड़े लोग हो, मेरी तो यही सलाह है कि तुम भी अपनी बहन की शादी हिंदुस्तान में ही करो। बस लला, बस। हमने जो एक बार कह दिया तो कह दिया। खुदा हाफिज। कारे कबो किताब कापी भी देख लियल करो, जब देखो तब मोबाइल पे लगल रहलो। सुना तनी राजा के फोन लगावा ना, कितना दिन हो गए कोनो फोनो ना आयलो।
लगावा ना। हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ बोल। कैसन बारा? लमाई से बात कर ला। हेलो। माई घोर लगा था। कहाँ रे? बाबू जा के माई के भुला गई ले ना। कितना दिन हो गई? कोनो फोनो ना कही ले। अरे ना रे माई, ऐसन मत बोल। काम धाम के चक्कर में ना बतिया पाऊंगी। अच्छा, काम मिलल? हाँ माई, ये जो ड्राइवर के नौकरी कर रहा है। रुक ना, रुक बहुत प्यार मिला था ये लोग से। अरे मैं देना हम लोग के हम बात कर देना देना हम बात कर माई ये सब ना प्रभु का इच्छा हो मुंह के दे माई सब भगवान का कृपा है बेटा दे माई ले। हेलो। हाँ हाँ भैया का अरे फोन तनी भौजी के देबा। लो प्रणाम। आदाब भाभी जान। आदाब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हमारा क्या, हम भी ठीक ठाक हैं, बस आप लोग के आने का इंतजार है। मैं आपके भैया के साथ जल्द ही आने वाली हूँ। और घर में सब कैसे है? मैं आप लोगों को बाद में फोन करता हूँ। तोहार भाई पंजाब में ना पाकिस्तान में हुआ है, माई के पता बा? ना बताइए अभी मत। ठीक बा? ठीक बा। हम यहाँ खाली फोर व्हीलर के हैंडल हिलावे आइल बानी का। हाँ तनी टू व्हीलर भी चला ले बेटा। अच्छा। अरे रे रुको तो। रुको मत चाहे तो इतना जगह है पजाता। आय हाय हाय, अब मैं समझी कि कल तक उदास रह रही गुड़िया आज चहकने क्यों लगी। और जनाब प्यार के बड़े दीवाने लगते हो। वरना यहाँ ड्राइवरी करके झक ना मराते। कहाँ से हैं आप? आपकी तारीफ? लला ये हिंदुस्तानी है। क्या हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी मुसलमान तो है ना? नहीं। क्या? हिंदू है। या अल्लाह। लला लला तो सुल्तान को ये नहीं, तुम तो जानती हो, काट के रख देगा। मेरा निकाह होगा तो सिर्फ इनसे ही होगा, वरना मैं खुद को काट लूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान कटने और काटने के लिए नहीं, तुम्हें सही सलामत ले जाने आए हैं, लेकर ही जाऊंगा। मरेंगे वो जो इस प्यार के सामने आएंगे। भाईजान बोलो। कुछ जानना चाहता हूं आपसे। हाँ पूछो। मोहब्बत अगर गैर मुल्क और गैर मजहबी से हो जाए तो क्या करना चाहिए? वाह मियां, तुम भी कमाल कर बैठे, वही रोग लगा बैठे जिसका कोई इलाज नहीं। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो दुनिया की हर दीवार तोड़ के आएगी, चाहे वो दीवार मुल्क की हो या फिर मजहब की। और मियां, तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत से मिली तो ठीक, वरना हम भी बगावत करने में बाप हैं सबके। अरे उठा लाएंगे उस हिंदुस्तान की छोरी को। भाई यार, आफ्ताब आलम का फोन है। जी आफ्ताब भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आ रहा हूँ। राजा ऐसे मत देखा, धड़कन बढ़ जाए तो अटैक भी आ सकेला।
राजा तुम्हें तो मालिक मालिक अरे मुस्तफा क्यों चिल्ला रहा है? मालिक मोबिल इसने पलटी नहीं किया। अरे क्या मोबिल मोबिल कर रहा है तू? मालिक गाड़ी में। भाईजान गाड़ी तैयार है चलें। चलो मुस्तफा दिन में ख्वाब देखना बंद कर, चल मेरे साथ चल। मालिक दुनिया की सबसे मीठी भाषा भोजपुरी का आनंद उठाएगी आज लैला नाचेगी दिल खोलकर। सुल्तान सुल्तान अबूजान मक्का जा रहे हैं हज के लिए, हमें भी ले जाना चाहते हैं, हमने हाँ कह दी है। हमारा निकाह आपसे हो, हम दुआ मांगेंगे खुदा से। सिर्फ तुम्हारी मर्जी के सरकार नहीं चलेगी, हमारी भी कुछ मर्जी है। तुम्हारी मर्जी की जरूरत नहीं है मुझे,
हम जिएंगे भी अपनी मर्जी से और तुम पर मरेंगे भी अपनी मर्जी से। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना है, तुम ना भी मिले तो तुम्हारी यादें ही काफी होंगी मेरे लिए। गम की परछाइयां, यार की रुसवाइयां, वारे मोहब्बत, तेरा ही दर्द, तेरी ही दवाइयां। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वेति अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। या अल्लाह, ये मुसलमान नहीं, ये तो हिंदू है। ये राजा हसन नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। मालिक बात कर। क्या हुआ मुस्तफा, क्यों चिल्ला रहा है? मैं कहाँ हूँ? यमलोक में। जी आप कौन? यमराज। तो फिर आप यहाँ कैसे? मैं तो मुसलमान हूँ। अल्लाह, मालिक आप क्यों, क्या हुआ? याद आया मालिक, ये अच्छा नहीं है, एक गाड़ी बराबर नहीं चलाता है। कहीं ले जा करके ठोक ठाक दिया ना, नुकसान तो आपका होगा, इस साले का क्या जाएगा। जा मुस्तफा, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, बच गए। बच्ची नहीं, तुम तो फंस गई। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। आदाब भाईजान। आदाब। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी नाचीज। बिल्कुल। मैं मुस्कान की कॉलेज की दोस्त तब्बू। तबस्सुम। भाईजान, मुस्कान ने मुझसे चैलेंज किया था कि वो अपने निकाह में ना मुझे नहीं बुलाएगी, पर मुझे तो आना था। देख, मैं आ गई ना। मुबारक हो। I missed you a lot. भाईजान, अब तो मुस्कान के निकाह के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तुमने सही फरमाया, मुस्कान के हर दोस्त हमारे लिए खास मेहमान है। मुस्तफा जी, आप इन्हें ले जाओ और मुस्कान का कमरा दिखाओ। शुक्रिया भाईजान। जी आइए। सोचा था
सुना जाते गरम ही बात ही आमे में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? आखिर इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? क्या हुआ? बहुत खामोश लग रही हो? जानकर अनजान बनने की कोशिश मत करो मोना। आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो? और वो यहाँ क्यों आया है? वो मुझसे प्यार करता है और अपना प्यार पाने आया है। और तुम? और मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे यहाँ से ले जाने आई हूँ। बकवास, वो तुमसे प्यार नहीं करता। कौन किससे प्यार करता ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेबी। इम्पोर्टेंट ये है कि जीत उसी की होती है जो चाहत की बाजी जीत जाता है। तुम मेरे भाईजान को नहीं जानती। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद तुम अपने भाई को जान के भी नहीं जानती हो। क्या कहोगी उनसे कि तुम एक ड्राइवर से प्यार करती हो जो एक हिंदुस्तानी है, जो एक हिंदू है? काट डालेंगे तुमको, समझी? अरे अपनी नहीं तो उसके बारे में तो सोचो। देखो मुस्कान, ये खेल मेरा है और तुम इस खेल को बिगाड़ रही हो बीच में आके। याद रखना, अगर मैं ये खेल नहीं खेल सकती तो तुम्हें भी खेलने नहीं दूंगी, ना ही किसी को। तुम्हारी सगाई हो चुकी है और ईद के बाद तुम्हारा निकाह भी है, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगी और मैं अपने राजा को ले जाके राज करूंगी। अच्छा है कि तुमने मेरी किस्मत नहीं लिखी। किस्मत? किस्मत के भरोसे बैठने वाले हमेशा बैठे रह जाते हैं, कोशिश करने वाले इश्क की बाजी जीत जाते हैं। किसी गैर की अमानत बनने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी राजा। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। भगा के ले जाना होता तो कब का भगा ले गया होता। तुम्हारे अब्बा ने हमारे हिंदुस्तान से दोस्ती की और उसे मरते दम तक निभाया। हम इस प्यार को कलंकित नहीं होने देंगे मुस्कान। प्यार हमेशा ही बदनाम हुआ है राजा, ये मत भूलो। ये वही समाज है जिसने लैला मजनू हीर रांझा किसी को एक नहीं होने दिया, क्योंकि ये समाज प्यार को कोई रिश्ता ही नहीं मानता। भले ही ये समाज प्यार को कोई रिश्ता नहीं मानता, लेकिन
रिश्ते को मानेगा ना, आज से तू हमार मेहरारू हो। तरह से निकाह के दिन भी सब अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि शिकायत का मौका ना मिले। राजा, अब तो मुस्कान की भी शादी हो जाएगी। उसके निकाह के बाद तुम तो अकेले हो जाओगे। अब क्या इरादा है? मोना, अच्छा होए कि तू हमके भूल जा। मुस्कान के बगैर हमार जीवन अधूरा बा। तो अब इंतजार कौन है बात के? मुस्कान के डोली उठेगी कि ओकर डोली के कहार बनेगी? इंतजार तो बाद डोली उठेगी, लेकिन ओकर डोली के कहार ना, ओकर भतार बने के ना। तोहरा हाथ से केहू और के मांग में सिंदूर ये हम ना देख सकीले। अच्छा, हम यहाँ शतरंज के पासा फेंके ना, तोहरा के लेके जाए लालवानी, और हम तोहरा के लेके जाए। चला हमरा साथे, चला। अगर तू हमार नहीं के हो सकत तक केहू और की भी ना होखे दे। चाहता नहीं सुल्तान के सब कुछ बतावे। मोना, आप सब लोगों ने ठीक से समझ लिया ना? अरे अरे अरे, रुक सा। पाकिस्तान में कोई हिंदू ये हिमाकत कर नहीं सकता। जरूर गंदगी हिंदुस्तान, इसे अभी साफ कर। सेनूर जब माता जी के चढ़ेला तब पवित्रता बढ़ेला। इहे सेनूर जब हनुमान जी के चढ़ेला तो धरती कापेला, और इहे सेनूर जब कोनो लड़की के मांग में पड़ेला तो सुहागिन बनावेला।
जब तक एकरा सुहाग के शरीर में जान बा, तू का पूरा पाकिस्तान भी एकरा मांग के सेनूर ना मिटा सकेगा। काफिर, नहीं राजा नहीं, छोड़ दो इन्हें, कसम है तुम्हें हमारे प्यार की। नफरत नफरत नफरत, अरे ये झूठी नफरत पाल लेने से कोई तुम्हें पाकिस्तानी या सच्चा मुसलमान नहीं कहेगा। अरे आदमी अच्छा या बुरा होता है मजहब या मुल्क नहीं, इन दोनों की मोहब्बत पाक है। बस तुम अपनी रजामंदी की मोहर लगा दो, हम मुस्कान की आंखों में खुशी का नूर देखना चाहते हैं, मौत की परछाइयां नहीं। दादाबो, मुस्कान हार गई सुल्तान की नफरत और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। भाईजान, राजा, हम तुम्हारे धर्म का सम्मान करते हुए इस शादी को मंजूर करते हैं। लेकिन अपने मजहब का भी अपमान नहीं कर सकते भाईजान। मुस्कान, हम तुम दोनों का निकाह करके ही हिंदुस्तान भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम बसीर मियां। तशरीफ रखिए। सुना है असगर मियां से शादी के लिए मना कर दिया सुल्तान ने। सत्ता बोलता है मर सकता हूं लेकिन अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। अपनी आबरू को हिंदुस्तान भेजेगा कमजर। ये सब उस हिंदुस्तानी की चाल है। जबान तो उसने असगर मियां को भी दी थी, शादी की उसने असगर से। आखिरकार है तो हिंदुस्तानी, कोई भरोसा नहीं है असले हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तानी मुजाहिदीन इन सालों की फितरत है कि यह जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। मैं तो कहता हूं इनके पर और फैले, इससे पहले इन हिंदुस्तानी मुजाहिदीनों के परों को कतर देना चाहिए। बहुत हो गया भाईजान, लोग थूक रहे हम पे, हमारी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। कार्ड छपाए हम और निकाह करे कोई और, सपना देखे हम और सुहाग रात और कोई मनाए। ऐसा नहीं होगा असगर मियां, बशीर खान अभी जिंदा है, वो हम पाकिस्तानियों को रौंद के जाने की चुनौती दे रहा है। क्या हम पाकिस्तानियों के औजारों में जंग लग गया है? बशीर मियां, मुस्कान हिंदुस्तान नहीं जाएगी। निकाह कबूल है? कबूल है। 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 आमीन। राजा, तुम मुस्कान को लेकर निकलो। नहीं राजा।
राजा मेरी बात मानो, तुम मुस्कान को लेकर निकलो। राजा तुम मुस्कान को लेकर जाओ। नहीं, मर्द भागता है मैदान छोड़कर, हिंदुस्तानी लड़ता है जान ठोककर। राजा मेरी बात मानो, मुस्कान को लेकर जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम। राजा तुम्हें तुम्हारे हिंदुस्तान की कसम। राजा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए दादापू। बशीर खान को वादा खिलाफी पसंद नहीं है सुल्तान मियां। एहसान फरामोश, जिस मुल्क ने तुझे पनाह दिया जब तू उस मुल्क का ना हो सका, वो भी उस हिंदुस्तानी के लिए जिसने हिंदुस्तान में हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, इसकी सजा तो सिर्फ मौत है। उस हिंदुस्तानी पिल्ले का पीछा करो। गाड़ी निकाला कर। Thank you.
इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी नहीं तो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए। पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। मर गए तो शहीद कहलाओगे। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी। है एक हिंद का बेटा देखो पे भारी। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी। है एक हिंद का बेटा देखो पे भारी। शेर की छाती अपना लोहा मनवाना। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। वो प्यार पैसा चाहिए। कर वो प्यार पैसा परिणाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए। पाकिस्तान तक तूने बहुत डर दिया है। कसम है पाकिस्तान की, जलाकर तेरे मुल्क को बनाऊंगा शमशान। पहले जलेगा तू फिर तेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तानी बोलता है कि जला देंगे भक्त तेरी मां का। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा। और मरेगा रावण ना रहेगी बंदर।
तुझे क्या लगा पाकिस्तान से ऐसी भाग जाएगा तू? हिंदुस्तान का तू हीरो होगा, यहाँ पर नहीं, आज इसी जमीन पर तेरे टुकड़े करके तुझे तेरी लाश के साथ भेज दूंगा हिंदुस्तान। सुना? पैगाम हुई, हिंदू मुस्लिम खातिर प्यार के पैगाम हुई, इस दुनिया में हर इंसान खातिर प्यार के पैगाम हुई। मुना, तुम ठीक तो हो ना? राजा की बहादुरी और दिलेरी की साथ देनी होगी,
जिसने पाकिस्तानी खुफिया तंत्र आईएसआई को हिलाकर रख दिया। ये अदालत राजा और मुस्कान के सच्चे प्यार का सम्मान करते हुए मुस्कान को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है और इसी के साथ राजा और मुस्कान के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है। रुक जाओ अजय। माई, यह दुनिया में सब इंसान बराबर बने, का हिंदू और का मुसलमान। जिया शेर, पाकिस्तान के किला उखाड़ के भौजी के लेके आ गईला, सही कल जाला, आरा जिला उखाड़ देवेला किला। हाँ।